हेलो माय लवली व्यूअर, वेलकम बैक विजेता ब्लॉग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर पे ही कैसे अपने हेयर को कलर कर सकते हो, वो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट से। तो आप मेरे हेयर को देख सकते हो, काफ़ी ड्राई और बेजानसी हो गया है और मेरे जो ग्रे हेयर है वो भी आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। तो इस पैक को अप्लाई करने से ना सिर्फ आपके ग्रे हेयर कलर होंगे बल्कि आपके हेयर काफ़ी स्टाइलिश भी लगेंगे। तो चलिए इसे हम रेडी करते हैं। तो इसे रेडी करने के लिए मैंने ले लिया है बीटरूट, जिसे हम चुकंदर भी कहते हैं, और दो आंवला भी मैंने ले लिया है। इसे हम अच्छे से वाश कर लेंगे। वाश करने के बाद हम बीटरूट को हम पील कर लेंगे। बीटरूट के अंदर पाया जाता है विटामिन्स, जो कि हमारे हेयर को कलर करने के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी रखता है ये, और हमारे हेयर फॉल को भी ये दूर रखता है। ठीक है, तो बस इसे हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। इससे ईजिली इसका जूस निकल जाता है, और इसका जूस निकालने के लिए आप किसी कपड़े का भी यूज कर सकते हो, या फिर आप मेरी तरह इसे हाथों से प्रेस करेंगे तो बहुत ही ईजिली इसका जूस निकल जाएगा। काफ़ी सिंपल है, ऐसे भी आप कर सकते हो। और इसका जूस इतना ज़्यादा डार्क होता है ना कि जब भी आप इसे निकालो तो अपने लिप्स पे और थोड़ा सा अपने फेस पे भी अप्लाई कर लो, काफ़ी पिंकी पिंकी आपका फेस दिखने लगा। मैं ऐसा ही करती हूँ, आप भी डेफिनेटली ऐसा ही करो। और जो आंवला थे उसको छोटे छोटे पीस में मैंने कट कर लिया है, और कट करने के बाद इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, मिक्सर की हेल्प से। तो बस हमारा पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब इससे भी जो है आप निचोड़ कर इसका जूस निकाल लें, जो फालतू के जो फाइबर हैं जो हमारे हेयर को इतना यूज़ नहीं होगा वो ईजिली निकल जाएगा, क्योंकि जो है ना इसका अप्लीकेशन होगा काफ़ी थिक हो जाता है इससे। तो बस इसका हम जूस का यूज करेंगे। ठीक है, बाकी आप जो है थ्रो कर सकते हो। अब इन दोनों को हम मिक्स करके इसे हमें थोड़ा सा और थिक करना है, तो इसके लिए हम बड़ी सी लेंगे एक लोहे की कढ़ाई, और इसमें इस जूस को हम मिला के ऐड कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसे हमें पकाना है। जितनी क्वांटिटी में आपको ये दिख रहा है उसका हमें हाफ कर लेना है, तो बहुत ही जल्दी ये पक जाता है। आंवला क्या करता है कि हमारे जो हेयर फॉल जो हमारे गिरते रहते हैं उनको ये कम कर देता है, हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी रहता है, हेयर को ये बूस्ट करता है, हेयर काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और शाइनी भी करते हैं। इसके अंदर मैंने ऐड किया था थोड़ा सा चाय पत्ती और 2 स्पून आप काफ़ी भी ले सकते हो। चाय पत्ती और काफ़ी बालों में गजब की एक शाइनिंग लाते हैं, इससे आपका बाल में काफ़ी ज़्यादा कंडीशनर का काम करता है। तो बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। हमारा ये जो नेचुरल हेयर कलर है ये जो है हमारे हेयर को बारगंडी कलर देता है। ऐसा नहीं है कि आप इसे लोहे की कढ़ाई में छोड़ दोगे तो ब्लैक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये बारगंडी कलर ही देगा। हल्का सा कलर ब्लैकनेस का आ जाता है क्योंकि इसे जब आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक छोड़ते हो। ठीक है, जब नॉर्मल हो जाएगा तो इसे हम छान लेंगे क्योंकि चाय पत्ती हमने डाला था। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हीना। मैं अधिकांशतः यही हीना पाउडर यूज़ करती हूँ पतंजलि का, क्योंकि इसमें जो है और भी इन्ग्रीडियंट ऐड होते रहते हैं, आपको जो सूट करता है आप वो ऐड कर सकते हो, और अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग जो है इसे हम इसमें मिक्स करेंगे। ठीक है, तो बस थोड़ा थोड़ा आप जूस को डालें और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं, और इससे का भी हम पेस्ट रेडी कर लेंगे। और ये जो हीना एप्लीकेशन इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो बीटरूट का जो कलर होता है वो काफ़ी कम टाइम तक आपके बाल में स्टे करेगा, लेकिन जब आप इसमें हीना या इंडिगो पाउडर ऐड करते हो तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपके बालों में स्टे करता है, और बहुत ही अच्छा ये पैक बन के रेडी होता है। आपको सिर्फ मंथ में 2 बार ही अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है, बार बार बिल्कुल भी नहीं आप लगाएंगे, आपके लिए काफ़ी होता है इतना। तो बस इसे मैंने ढककर पूरी रात ऐसा छोड़ दिया है, मॉर्निंग में मैं इसको जो हूँ अप्लाई करूँगी, तभी मॉर्निंग हो गया है। ये देख सकते हैं आपको ब्लैकनेस सा दिख रहा होगा और काफ़ी अच्छा कलर भी आ गया है, लेकिन जब बाल को हम वॉश करते हैं ना तो बरगंडी कलर आता है, ब्लैक कलर नहीं आता है। और बस तो अब इसे फटाफट अपने बालों पे हम अप्लाई कर लेंगे। ऑब्वियसली बालों पे अप्लाई जब करें तो आपके बाल पे कोई हेयर ऑयल वगैरह नहीं होना चाहिए, इससे काफ़ी अच्छे कलर आते हैं। तो मैंने भी अपने बाल पे कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया है, और जो मेरे ग्रे हेयर है मैं आपको पहले दिखा रही हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ भाई ग्रे हेयर है, सब लगा रही है तो मैं भी लगा सकती हूँ। तो बस इसे हम काफ़ी इजी लगा सकते हैं, जैसे आपको हीना पाउडर लगाना होता है वैसे फटाफट लगाए। मॉर्निंग का टाइम था, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था कि मैं जो है ना स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊं, तो जैसे आपको लगाना है हीना पाउडर वैसे आप इसे लगा लेंगे। तो देखा, बस 1 सेकंड में यूँ लग गया। तो बस इसे लगाने के बाद इसको हम थोड़ी देर कवर कर लेंगे, आप 1 से 2 घंटे इसे रख सकते हो। तो मैंने इसे कवर कर लिया, अब इसके बाद मैं अपना बाकी का काम कर लूँगी और हेयर को नारियल पानी से वॉश करना है। 2 घंटे मैं रखूँगी फिर नारियल पानी से मैं वॉश कर लूँगी। वीडियो पसंद आता प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस तरह से आपका हेयर कलर आ जाता है,
मेरे हाथों पे भी काफी अच्छा खासा चढ़ गया था वॉश करने के बाद।